पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने आज भाजपा की प्रदेश सरकार पर कानून और स्वास्थ्य को लेकर जमकर हमला बोला। दीपक बैज ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ चुकी है। आए दिन हत्या, बलात्कार और चाकूबाजी जैसी घटनाएं प्रदेश में आम हो गई है। वहीं मलेरिया और डायरिया जैसी बीमारियों से आम नागरिक की लगातार मौत हो रही है, जिस ओर स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान नहीं है। वहीं दीपक बैज ने विधानसभा सत्र के दौरान विधानसभा के घेराव की बात भी कही है। राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र और बैगा संरक्षित हमारे जनजाति की मौत हुई। हमारी जांच रिपोर्ट में पाया कि सरकार की विफलता से न वहाँ पे समय पे इलाज हो पाया, न वहाँ दवाई मिल पाई, न वहाँ पे शुद्ध पानी मिल पाया। इस तरह से सरकार की विफलता के वजह से हमारे 5 आदिवासी भाइयों की मौत हुई। इसके लिए पूरी तरह से साई सरकार और प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिम्मेदार।